प्रदेश में अब कोरोना के संक्रमण के ग्राफ में लगातार गिरावट भी नजर आ रही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और उसी के चलते अब कोरोना पॉजिटिव के केसेस कम सामने आ रहे हैं। इसी के साथ कोरोना की जांच की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदेश में टीबी की जांच करने वाली सीबीनाट मशीन से कोविड 19 की जांच की जाएगी। सीबीनाट मशीन से कोविड 19 की जांच रिपोर्ट लगभग एक घंटे में ही मिल जाएगी। महामारी से निपटने और जल्द ही जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 8 सीबीनाट मशीन विभिन्न जिलों से स्थानांतरित करके राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजेस में लगवाई जा रही है। इस मशीन से एक समय में अधिकतम 4 सैंपल की जांच की जा सकती है। कोविड 19 की ये जांच RT-PCR पद्धति पर आधारित है। मशीनें हैं, 8 जगह से हमने टेम्पररी, अभी जब तक कोविड चलेगा, 4 मेडिकल कॉलेजेस में इनको ट्रांसफर किए। अब हो जाएगा, अभी ट्रांसफर किए, इनका रिजल्ट एक घंटे में आ जाएगा। ये RT-PCR टेस्ट ही होगा। ये तो इस कोविड में लड़ने के लिए और हमारी जांच की कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले कहा कि ICMR ने भीलवाड़ा को अनुमति दे दी, वहां टेस्टिंग शुरू हो गया। ICMR ने RUHS को परमिशन दी, वहां 250 टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं, जिसको बढ़ा के हम 1000 कर देंगे। तो राजस्थान निरंतर उन राज्यों में जो अधिक से अधिक जांच कर रहा है और अधिक से अधिक जांच की सुविधा बढ़ा रहा है और संक्रमण के ग्राफ को नीचे लेके आ रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। और आने वाले टाइम में इसको और तेजी से हम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि 10,000 की कैपेसिटी का लक्ष्य तो 3-4 दिन में पूरा कर लेंगे हम। ये और आगे जाएगा पर डे कैपेसिटी जो टेस्टिंग की है, और जो लक्ष्य दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि राजस्थान के 33 जिलों में जांच की सुविधा प्लस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, उस दिशा में भी काम चल रहा है। हमने कलेक्टर्स को कहा था जिस दिन CM साहब की VC थी कि आप 10 दिन में अपने अपने जिलों में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है मजबूत करने के लिए, चाहे PSC में है, CSC में है, SDH में है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में, जितने उपकरण चाहिए, जितने वेंटिलेटर चाहिए, जितने ICU की फैसिलिटी डेवलप करनी है, चाहे हीमोडायलिसिस की मशीनें हो, चाहे एक्सरे मशीनें हो लेटेस्ट तकनीक की, चाहे आपके सोनोग्राफी की मशीनें हो, तमाम हमारे जो अस्पताल हैं वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए, ताकि किसी भी बीमारी का राजस्थान मजबूती के साथ मुकाबला कर सके।